देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। जम्मू कश्मीर का दो हिस्सों में बंटवारा कर दिया गया। राज्य को लेकर कई बड़े फैसले किए गए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया। लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, जहां कोई विधानसभा नहीं होगी। जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। सरकार ने 1994 के कानून में संशोधन कर ये बड़े फैसले किए। इस फैसले को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। उधर राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प पेश किया। इसके साथ ही अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का संकल्प भी पेश किया। अमित शाह के ऐलान के बाद विपक्ष ने सदन में खूब हंगामा किया। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित लागू होंगे। इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज निर्णय अध्यादेश अंतरियम नियम विनिमय अधिसूचना नीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अन्यथा न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संबोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक सरकार के इस फैसले पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। पीडीपी नेता और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने सिर्फ मुस्लिम बाहुल्य राज्य की डेमोग्राफी बदल दी। सरकार चाहती है कि मुसलमान अपने ही प्रदेश में दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रहें। उधर पीडीपी की तरफ से राज्यसभा के सदस्य नाजिर अहमद ने विरोध में अपने कपड़े फाड़ लिए। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट किए जाने को लेकर सरकार से जवाब तलब किया। अमित शाह कहते रहे कि उन्हें अपनी बात पूरी करने दी जाए, लेकिन हंगामा जारी रहा। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने आर्टिकल 370 पर मोदी सरकार के संकल्प का राज्यसभा में समर्थन किया। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com।